ये जो कानून बना ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे ये जो बनाए हैं किसको अस्पताल ले जाइए, अस्पताल ले जाते समय पब्लिक तो ड्राइवर को मार डालेगी, और ये इसके बाद अगर वो भागते हैं तो गरीब आदमी 7 लाख रुपए कहाँ पाएंगे, 7 लाख रुपए और 10 साल का जुर्माना, ये तो बहुत बड़ा हम सब गरीबों के लिए पहाड़ है। हम लोग इसी कारण विरोध कर रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट हो तो जो मारे वो भी जो है 10 लाख का जुर्माना उसके ऊपर हो, तब तो ड्राइवर करेगा कड़ा करके अस्पताल ले जाएगा, नहीं तो ये तो कानून एकदम सरासर गलत है। गलत है अच्छा। गलत तो टोटल 2 चक्का 4 चक्का कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए सब 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 इकट्ठा हुए हैं, बड़ी गाड़ी को मारो, बड़ी गाड़ी को रोको, इसको बैन करो, छोटी गाड़ी कोई नहीं बोल रहा है, 2 चक्का 4 चक्का आगे से पीछे से जान में भिड़ा दे, वो कितना बचाए, हम कितना बचाए, वो आगे भिड़ा देंगे तो क्या करें। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो बदलाव किया जा रहा है, इसके बाद देश भर में बस संचालक और ट्रक संचालक चालक जो हैं ये हड़ताल पे हैं। सोमवार से ही हड़ताल पूरे देश में जारी है, जिससे अव्यवस्था सी फैल गई है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है, माल पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में मैं जौनपुर जनपद के प्रयागराज की सीमा पर जंघई में हूँ, जहाँ से यात्री बनारस और क्या कहते हैं प्रयागराज जौनपुर प्राइवेट बस स्टैंड है वहां मैं पहुंचा हूं। अब यहां जो लोगों में नाराजगी है उनसे हमारी बात होगी कि इस जो अब कानून में बदलाव हो रहा है, जिसमें प्रावधान किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना होती है उसमें साबित होता है कि दौड़ा के जानबूझकर दबाया गया है तो उसमें जो है 10 साल की सजा भी हो सकती है, और उनको दुर्घटना करने के बाद ड्राइवर को सूचना भी देनी होगी। ऐसे में जो बस चालक हैं और ट्रक चालक हैं इनमें काफ़ी नाराजगी है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं जो ये बस स्टैंड पे बस के चालक हैं, उन्हीं से हमारी बातचीत होगी कि आखिर ये इस कानून को क्यों वो विरोध कर रहे हैं, क्यों नाराजगी है। शुक्ला, सरकार जो कानून ला रही है, लाया है कानून, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर यही कहना चाहते हैं कि ये जो कानून बना ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे ये जो बनाए हैं किसको अस्पताल ले जाइए, अस्पताल ले जाते समय पब्लिक तो ड्राइवर को मार डालेगी, और ये इसके बाद अगर वो भागते हैं तो गरीब आदमी 7 लाख रुपए कहाँ पाएंगे, 10 लाख पेपर में 7 लाख लिखा है, 7 लाख रुपए और 10 साल का जुर्माना, ये तो बहुत बड़ा हम सब गरीबों के लिए पहाड़ है। हम लोग इसी कारण विरोध कर रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट हो तो जो मारे वो भी जो है 10 लाख का जुर्माना उसके ऊपर हो, तब तो ड्राइवर करेगा कड़ा करके अस्पताल ले जाएगा, नहीं तो ये तो कानून एकदम सरासर गलत है। सरकार कानून पे कानून बदलाव करते जा रही है, और ये कानून भी कहीं ना कहीं कुछ हित में होगा, जो दुर्घटना हो रही है उस पे लगाम लगेगी, इस तरह का कानून ला रही है। दुर्घटना पे तो लगाम लगेगी, लेकिन ये लोग पब्लिक के एक धक्का लगने पे ड्राइवर को पीट डाल रहे हैं, जान बचा रहे हैं, और एक्सीडेंट करने पर अस्पताल ले जाते समय तो रास्ते में पहले ड्राइवर को ही मार डालेंगे, तो इसीलिए विरोध आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए क्या ये कानून वापस होना चाहिए? एकदम वापस होना चाहिए। अच्छा, जब जो ये हड़ताल पे आप लोग चल रहे हैं, कब तक ये हड़ताल रह सकती है? ये तो यहाँ के पूरे मोटर वाले ही जाने। अच्छा, सही बात है भाई, 200 रुपए कमाते हैं, कहाँ से इतना भरेंगे, यही समस्या है। जो दुर्घटना हो जाएगा, ये कानून आपकी निगाह में ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। इनकम कितनी हो जाती होगी आप लोग, आप चालक हैं तो? कभी 100-200 मिलता है, कभी कभार मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है। हाँ। और ये जब आप दुर्घटना कर दिए तब आपको 10 साल की सजा सजा जुर्माना भी लगना है। आपकी निगाह में कानून क्या क्या है? ठीक है, की निगाह में तो ठीक है, लेकिन ड्राइवरों की निगाह में गलत है। अच्छा, ड्राइवरों के निगाह में ये कानून गलत है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। कितना दिन से गाड़ी चला रहे हैं? बचपन से गाड़ी चला रहे हैं। पैसा काफी इकट्ठा कर लिया होगा, पैसा ज्यादा पाते हैं, कितना मिलता है? 100-200 रुपए मिलता है। तो जब कोई दुर्घटना आप कोई दुर्घटना करेंगे तो 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए भी देना होगा। रखे हैं 7 लाख? खाने भर पैसा नहीं मिल रहा, खाने भर का पैसा नहीं मिलता। तो सरकार ये जो कानून लाई है इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है।
अच्छा। गलत तो टोटल दो चक्का चार चक्का कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, बड़ी गाड़ी को मारो, बड़ी गाड़ी को रोको, इसको बैन करो, छोटी गाड़ी कोई नहीं बोल रहा है, दो चक्का चार चक्का आगे से पीछे से जान में भिड़ा दे, वो कितना बचाए, हम कितना बचाए आगे भिड़ा देंगे तो क्या करें। अमित शाह गृह मंत्री क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं भाई ये सब वापस ले और का। अच्छा, अब हड़ताल ऐसी चलती रहेगी, यात्रियों को कितनी दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करें, हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए जिम्मेदार सरकार, 200 रुपए कमाने हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अरे लोग आएंगे जाते हैं आप लोग द्वारा, हम कहा जाते हैं वो भी दूध है दही सब पहुँचता है, पहुँचता है तो हम क्या, 10 लाख रुपया कहाँ भरे थे, 100-200-400 कमाई के साथ 10 लाख के कहाँ जी, कितने दिन चला रहे हैं? अरे हम तो 8 साल से तभी इस गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो आप लोग जब दबा देंगे किसी को तो आप लोग कार्रवाई न हो? नहीं, लेकिन हम लोग दबाने से पहले क्या गाड़ी लेके चलते हैं, बाइक वाले आ जाते हैं, जबरी घुस जाते हैं, चार चक्का वाले घुस जाते हैं, अगर पोजीशन पे एक्सीडेंट होगा, अगर हम उतरेंगे उनको अस्पताल ले जाने के लिए, पब्लिक तो हमको मार वहीं बिछा देगी, तो ये पब्लिक के लिए भी होना चाहिए था ना। देखिए ये इनका साफ यही कहना है कि जो कानून में बदलाव किया जा रहा है उसमें यही साफ है कि आप जो है बताएं, सूचना दें, थोड़ा सा कैमरा मैन साथी से कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। ये कानून जो सरकार लाई है क्या होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये कानून गलत है, ड्राइवरों के प्रति इनका जो कानून है, जो लाया गया है कानून, ये गलत है, क्योंकि ड्राइवर 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे, गाड़ी चल रही कोई बाएं से घुस रहा है, कोई दाहिने से घुस रहा है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, बस गाड़ी चल रही है, कोई आ गया मर गया तो उनको 10 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से देंगे, 400-500 रुपए अगर कोई पाएगा तो परिवार चलाएगा कि पैसा देगा 10 लाख रुपया, ये कानून अपना जो पारित किए हैं इसको वापिस ले और गाड़ी का संचालन कायदेस कराए, नहीं तो गाड़ियां हड़ताल। देखिए कह रहे हैं कानून वापस ले, नहीं तो गाड़ियां जो है बंद रहेंगी, हड़ताल जारी रहेगा, यात्रियों को दिक्कत आएगी। देखिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी हैं, जो कि तमाम लोगों के मुद्दों को लेकर, चाहे गरीब मजदूर किसान सबके मुद्दे को लेकर हमेशा ये उनके साथ खड़े रहते हैं, ऐसे में वो भी अब चालकों के पक्ष में आ गए हैं और यहाँ मौके पर भी हैं जहाँ हड़ताल चल रही है, जहाँ ड्राइवर और ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, बसों का संचालन ठप है, वहाँ आए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज ही ऐसा समय आ गया भारत में पहली बार आज़ादी के 77 साल बाद कि हमारे ड्राइवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, और 100% ड्राइवर जो हैं दबे कुचले और गरीब घर के परिवार के लोग हैं, जिनकी मजदूरी डेली 500-600 रुपया होता है, लेकिन सरकार ने जो ये लाया है दलित विरोधी और ड्राइवर विरोधी कानून लाया है, भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया विरोध करती है, मैं ड्राइवर के साथ हूँ, और जो उनका बंदी का आह्वान किया गया कल उसका मैं समर्थन करता हूँ। नहीं तो सरकार गलत क्या कर रही है नेताजी, अब आप दबा के किसी को मारते दबा के चले जाएंगे? देखिए यह जो है भूम माफिया बलात्कार, ये लोग जो जानबूझ करते हैं, लेकिन ड्राइवर जो है जानबूझ खतरा नहीं करता है, नहीं चाहता कि हमारे ट्रेन से हमारे गाड़ी से कोई दर्द हो, वो आकस्मिक हो जाता है। अरे पहले आप भूम माफिया पर रखिए, आप बलात्कारियों पर रखिए, जैसे आप बीएचयू में देखिए, आधो महीना पूर्व भाजपा के ही कार्यकर्ता, भाजपा के ही पदाधिकारी एक लड़की के साथ बलात्कार किया, इसके बाद भी पूरा मालूम होने के 5 दिन के अंदर मालूम भी हो गया, उनको भेजा गया अमर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए, वापस आने के बाद 4 दिन के बाद उनको वापस लिया गया, ना उनका वहाँ बाबा जी की बुलडोजर गया, ना उनके ऊपर ना कोई गोली चली, आजकल तो उत्तर प्रदेश गोली चलाती है बाएं पैर में, जहाँ देखो बाएं पैर में, घर से लाएगी बाएं पैर में, कहेगा मुठभेड़ हुआ मुठभेड़ हुआ, तो ये इसको देश विरोधी और किसान विरोधी ड्राइवर विरोधी की सरकार पर मैं क्या कर सकता हूँ, देश संकट में ये भारतीय किसान यूनियन ड्राइवर के साथ है, भारतीय किसान यूनियन ड्राइवर के साथ है। गुरु जी ये बताइए, सरकार तो कानून में बदलाव कर रही, जनता के हित में कर रही है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से राम का मंदिर बन रहा है, चाहे धारा 370 हटाया गया है, और अब ये तो कहीं ना कहीं अच्छा के लिए किया होगा ना, जो फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? भाई हम लोग विरोध ये कर रहे हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो 7 लाख रुपए कहाँ पाएंगे, अगर ड्राइव अगर हम उनको उठा के ले जा रहे हैं पब्लिक मार डालेगी तो हम तो रास्ते में मर जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो सरकार से मांग क्या है? सरकार से यही नम्र निवेदन मांग है, इस कानून को अपना वापस
देखिए और कुछ क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग कहाँ जा पाएंगे अच्छा कहाँ जा पाएंगे मारने वाला भी उसके बाजू गाना बने 10 लाख उनको 7 लाख उनको दे और फिर 10 साल तो हम 200-300 कमा रहे हैं हम कहाँ पूरा करेंगे। देखिए गरीब तबके के लोग कहीं न कहीं जो है गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइविंग लाइन में है, चालक है, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस से द्वारा लोग जो है अपने गंतव्य में पहुंचते हैं और ट्रकों द्वारा जो है सप्लाई माल की सप्लाई की जाती है, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे अनेक सामग्रियां हो, खाद्य पदार्थ हो, ये जो है पहुंचाई जाती है। हाँ आप भी बताइए क्या कानून है। भाई कानून ठीक नहीं है। अच्छा गरीब लोग हैं जो बस चला करके अपना जीवन पालन कर रहे हैं, 10 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, घर बेच देंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सरकार इस पर ध्यान दे, गरीब लोग कभी जिंदा नहीं पाएंगे, नहीं कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या आपको लगता है कि चालक कभी जानबूझ के दुर्घटना नहीं करते हैं? गरीब लोग दुर्घटना काम नहीं करता है। हाँ चाहिए सड़कें भी बंद रहेंगी, सब बसें बंद रहेंगी, लगातार हड़ताल जारी रहेगा। देखिए अभी सोमवार से ही देश भर में हर जगह चल रहा है। मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ से ये 3 जिलों की सीमा है, भदोही, बनारस और जौनपुर की जंघई में, जो कि बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ से यात्री चारों तरफ आते जाते हैं। मैं ये प्राइवेट बस स्टैंड में खड़ा हूँ। नेताजी लास्ट सवाल, सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ऐसे कानून सरकार क्यों लाना चाहती है? जब से सरकार आई है तभी से कभी किसी गरीबों का जो कार्य कर रही है और ये जो उठाया कदम ड्राइवर के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन से विरोध करती है, क्योंकि गरीब परिवार के ही लोग अधिकांश देखा गया ड्राइवर है। अच्छा, और ड्राइवर कोई नहीं चाहता है कि हमारा हमारी गाड़ी किसी दुर्घटना हो, लेकिन एक तरफ यूपी अली व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को कुछ नहीं होगा, गाड़ी तुरंत तत्काल छूट जाएगी, अब ड्राइवर ही मुलजिम बनेगा और ड्राइवर ही 10 साल सजा काटते हुए 10 लाख रुपया जमा करेगा। यह इनके निर्णय से भाजपा सरकार से लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश के 5 किलो अनाज पाने वाले को एक तरफ से समाप्त करना चाहती है और ड्राइवर से ही शुरुआत किया गया है। हमारा दलित और तबका, गरीब तबका जो पूरे देश का, अब एक होकर के ड्राइवर के साथ संघर्ष करने के लिए तेज होगा। और कल से 3 जनवरी से लगातार भारतीय किसान यूनियन हमारे ड्राइवर के साथ सहयोग करेगा, जब तक यह जिस तरह हम लोगों ने 13 महीने में 3 कृषि बिल वापस ले लिया था इस सरकार घमंडी सरकार से, उसी तरह घमंडी सरकार जब तक ड्राइवर वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे किसान ड्राइवरों के साथ। नहीं, सरकार तो गरीबों को सुनती है, सरकार गरीबों को 5 किलो राशन दे रही है, क्या आपको लगता है कि गरीबों को खत्म करने की तैयारी है उनको? क्या सरकार के पास कोई मानक है या कोई मापक है कि 30 दिन में आदमी 5 किलो अनाज खाता है? 5 किलो अनाज कई दिन चलता है? ज्यादा 10 दिन चलता होगा, 15 दिन चलता होगा। 15 दिन लिए क्या उन्होंने क्या हिसाब रखा है? वो तो एक वोट की राजनीति है, इसे गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमको एक परिवार, गरीब परिवार की नौकरी चाहिए, उनको 5 किलो राशन वापस चाहिए, अपना वापस ले ले। यह केवल जो इस तरह का धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, पूरी जनता को धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, हमको राम दरबार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वहां पर गिने चुने पंडालों को लाभ है, पूंजीपतियों को लाभ है और धर्म के नाम पर हमको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा चाहिए, न कि हमको और अलग धर्म चाहिए। क्या ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो बदलाव किया जा रहा है, कानून लाया गया है, क्या इसके इसमें जो है आप भारतीय किसान यूनियन अभी चालकों के साथ में है? भारतीय किसान यूनियन हमारा ड्राइवर के साथ है, इनको चाहिए था कि जिस तरह से कृषि बिल लाया गया था, किसानों से बिना राय लिए लाया गया और इनको पीछे हटना पड़ा, किसानों की बात माननी पड़ी, गलती माना पड़ा, उसी तरह को चाहिए था पहले हमारे ड्राइवर यूनियन वालों से बैठक करके बात की होती,
चर्चा किए होते, किस आधार पर हम चल रहे हैं, क्या आप लोग ये उचित है क्या नहीं उचित है। क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र के आधार भी कानून पास होना चाहिए, लेकिन ये सरकार जब से आई है लोकतंत्र की हत्या करते हुए मनमानी ढंग से कार्य जो कर रही है, इसका मैं बातिक संघ में विरोध करता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट में जो सरकार बदलाव करके ड्राइवरों को दुर्घटना करने पर 10 साल की सजा और 7 लाख का जो जुर्माना लगा रही है, उसके विरोध में देश भर में चालक विरोध में है, और जहां मैं खड़ा हूं यहां भी लोग विरोध में हैं। कल से पूरी तरह बस की सेवाएं यहां ठप कर दी जाएंगी, और इनके साथ जो है भारतीय किसान यूनियन भी इनके साथ आ गया है। भारतीय किसान यूनियन का भी कहना है कि हम यह लड़ाई इनके साथ लड़ते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।